वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगलों में चंपापुर गनौली पंचायत के चंपापुर गांव में हम लोगों ने एक इको फ्रेंडली यूरिनल का निर्माण किया है। गुण संस्था के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जिसमें प्लास्टिक की बोतलों में बालू और मिट्टी के सहारे हम लोगों ने उसे ईंट का रूप दिया और एक टॉयलेट तैयार किया। इसको उपलब्ध कराने में प्लास्टिक का बोतल हम लोग देखते थे, गंडक बैराज की बात है, गुंज की टीम वहाँ बैठी हुई थी, तो बरसात का मौसम था, काफ़ी बड़ी मात्रा में लकड़ी और कूड़े कचरे आ रहे थे। लोग आवश्यकता अनुसार लकड़ियाँ वहाँ से निकाल ले रहे थे और कचरे के ढेर को छोड़ दे रहे थे, जिसमें प्लास्टिक की बोतल की संख्या अत्यधिक थी। तो वहाँ हम लोगों ने सोचा कि क्या प्लास्टिक के बोतल का कुछ और उपयोग किया जा सकता है, जिसको एक सस्टेनेबल एज दिया जा सके। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे खोज किए इस पर, तो नाइजीरिया में ये चीज़ हो रहा था, तो यूट्यूब पर हम लोगों ने उसे सर्च किया। उसके बाद हम लोगों ने उसे प्रैक्टिकली करना चाहा, तो जिसमें हमें प्लास्टिक बोतलों की आवश्यकता पड़ी, तो हमने वहाँ से जो भी बच्चे वहाँ निकालते थे उसको हम लोगों ने कलेक्शन किया। कलेक्शन करने के बाद उसमें हम लोग मिट्टी डाले, बालू डाले और फिर एक कंस्ट्रक्शन तैयार किया इको फ्रेंडली यूरिनल का। इको फ्रेंडली यूरिनल जो है 100% इको फ्रेंडली है और ये आम ईंट के मुकाबले 30% ज़्यादा मजबूत है, और इसकी खास बात यह है कि ये भूकंप रोधी भी है।